कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने आया हूं, वही दूसरी तरफ हमारे जन जन के चहेते परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, हम सबके मसीहा, रोजगार दाता, नौकरी दाता श्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि बेरोजगारी का दौर खत्म करेंगे और हम रोजगार लाए हैं। तो आज से एक स्लोगन इस पूरे हिंदुस्तान में फैल जाना चाहिए, मोहब्बत की जो दुकान खोल रहे थे राहुल गांधी जी वो भी दुकान खोलेगी, और जो रोजगार दे रहे थे तेजस्वी यादव जी वो भी मिलेगी, और जो भी गरीब गुरबे शोषित वंचित की आवाज को दबाने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान को कुचलने की मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो कान खोल करके सुन लें। इस शिवहर की धरती के लोगों ने मजबूती के साथ ये संकल्प लिया है कि इस देश में जाति पाति और धर्म के नाम पर नफरत के बाजार को हम लोग नहीं चलने देंगे। नफरत के बाजार में प्यार लेकर आया हूं, नफरत के बाजार में प्यार लेकर आया हूं, बेरोजगारियों के इस दौर में रोजगार लेकर आया हूं, बेरोजगारियों के इस दौर में रोजगार लेकर आया हूं। बहुत लोग बोलता है मुरेठा बान के, बहुत लोग बोलता है मुरेठा बान के कि हम तेजस्वी जी को झुका दिए। अरे आपका मुरेठे में नहीं सही बना था, देखिए मुरेठा कैसे बना था। एक तरह बोलते हैं कि मुरेठा बांध लिए फलना चीज करेंगे तब खोलेंगे, अब वो नहीं जाके सट जाते हैं, कैसे मुरेठा के संकल्प आपका है ना, सही बात है कि नहीं। आप ये बताइए कि 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया, 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अमर पन्नों में दर्ज हो गया, दर्ज हो गया। वो मात्र 70 दिन में 2.5 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में, कहीं सुने थे? यही ना नीतीश कुमार जी बोलते थे कि बिहार में पैसे में ना तो नौकरी कहां से दे, तो तेजस्वी यादव पेड़ लगा दिए थे पैसे के। पैसा था कि नहीं था, पैसा था कि नहीं था, आप लोग बताइए। तो ये बताइए कि ये लोग जो गरीबों का खून चूसना चाहते हैं, जो हमारे गरीब मजदूर मेरे भाई जो यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है जिसके वजह से पलायन करते हैं, उन लोगों के लिए तेजस्वी यादव जी फैक्ट्री लाने का संकल्प किए थे। आप बताइए कि ये लोग क्या चाहते हैं कि ऐसे ही बिहार का नाम बदनाम होता रहे, बिहार अपमानित होता रहे? तो हम लोग नहीं होने देंगे, हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग तेजस्वी यादव जी को एक एक हाथ दे करके, हम लोग हाथ मिला करके उनके कंधे को मजबूत करेंगे, और शिवहर की धरती से ऐलान करते हैं ऐ जुमलेबाजों, आपने बोला था कि हर एक साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, क्या वही देने की बात करके पलटू जी को पलट लिए क्या? आपने बोला था कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, क्या वही बोल करके पलटू जी को मना लिए कहा? आपने बोला था आरा के रमना मैदान में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ देंगे, क्या वो मिला क्या? तो तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से संकल्प लिए कि बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उनकी संकल्प को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी एनडीए वाले लोग, एनडीए पार्टी। तो इसलिए तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं, क्योंकि तेजस्वी जी की जब सरकार गई है तो बहुत सारे हमारे युवा भाइयों में ये संशय का माहौल पैदा हो गया है कि अब रोजगार कैसे मिलेगा। तो रोजगार मिलेगा, और वो रोजगार बनाने लायक, रोजगार देने लायक तेजस्वी यादव जी को आप बनाए थे, तेजस्वी जी जो कहते हैं वो किए थे, और आगे भी तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, ऐसे ही बिहार में रोजगार की बयार बहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिवहर, जय लालू यादव, जय तेजस्वी यादव, जय रामणी माँ, जय तेज प्रताप।